दिल लगाकर काम करना किससे सीखना है आपको? रुबीना दिलैक से सीखना है बिग बॉस सीजन 14 में, क्योंकि कुछ भी करते रहें वो, लेकिन वो खाना बनाना नहीं छोड़ती है। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जब से रुबीना दिलैक की एंट्री हुई है अभिनव शुक्ला के साथ में, रुबीना दिलैक हमेशा एजाज खान जैसे काम करते हुए नजर आई है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि 100 out of 100 देना चाहिए रुबीना दिलैक को। इस बार वो नजर आई फेस मास्क, जी हाँ, जो पिंपल्स निकल जाते हैं, जैसे कि जो डर्ट आ जाता है, तो जैसे हम मास्क लगाते हैं ना, पूरा लेप, आप हिंदी में लेप बोलते हैं, चंदन का लेप हो गया, बेसन का लेप हो गया, या फिर मार्केट से खरीद कर जो आजकल आयुर्वेदिक लेप आते हैं वो पूरा लगाकर, या फिर पूरा का पूरा मास्क लगाकर जो निकालते हैं, मास्क लगाकर लोग आराम करते हैं। लेकिन यहाँ पर रुबीना दिलैक नजर आई खाना बनाते हुए किचन में। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, खमागिनी केमचो के रोहाल, कैसे काय, मैं हूं करण रजानी, आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ, हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। मैं बिग बॉस देख रहा था, बिग बॉस देखते देखते अचानक में ऐसा सीन आ गया जो देख के मैं डर गया। वो क्या सीन था आपने खुद देखा और आप भी डर गए होंगे जब आप तस्वीर को देख रहे थे, जहां पर आपने क्लिक किया हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। वो तस्वीर देखकर मैं डर गया, मैंने लाइव देखा ऐसा यू सामने, और मैं बोला अरे बाप रे ये कौन है मास्क लगाकर फेस पे काम कर रही है, मैं सोचा कोई और कंटेस्टेंट है। लेकिन जब ध्यान से जब जूम किया गया उन पर, तो देखा कि वो रुबीना दिलैक थी। तो आप एक कहते हैं ना कि वो एक एनर्जी देखिए, एक मोटिवेशन देखिए, एक उनके अंदर जो लक्ष्य देखिए उनका, कि उनको काम करते रहना है, उनको आराम नहीं करना है, जिस समय आराम करना है उस वक्त भी काम करती है। ऐसे ही नहीं रुबीना दिलैक के फैंस बाहर बैठे हैं, ऐसे ही नहीं इतने सारे हफ्ते रुबीना दिलैक ने निकाल दिए, सलमान खान के साथ पंगा, बिग बॉस के साथ पंगा, पूरे लोगों के साथ अंदर पंगा, लेकिन फिर भी टिकी हुई हैं, डटी हुई हैं और मजबूती से अपना काम कर रही है। बिल्कुल भी हिलने वाली शख्सियत नहीं लग रही है रुबीना दिलैक। आप क्या सोच रहे हैं जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मैं हूं एंकर करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन, टेक केयर एंड गुड बाय।